राइट गेजर आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा सोडियम मेटल का टुकड़ा और गेजर, इसी टुकड़े को अगर हम कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डालते तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से कमाल की रिएक्शन जनरेट हो जाती है। और गैज आप देख सकते हो जैसे ही, ओ माय गॉड, इसके अंदर आग लग चुकी है और साथ ही साथ ओ माय गॉड गाइस, ये सच में कुछ इस तरीके से एक्सप्लोसिव हो जाता। लेकिन गेजर जैसे ही हम सोडियम मेटल को गेजर पानी के अंदर डालते हैं, ये कमाल के तरीके से दो टुकड़े के अंदर खंडित हो जाता है, हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन गेजर आज की इस वीडियो में गेजर हम सोडियम मेटल के साथ में सच में कमाल का प्रयोग करने वाले। और गेजर आप देख सकते हो ये एक सोडियम मेटल का डिब्बा और इसके साथ साथ ये एक ब्लैक वाला टेप। लेकिन गेजर वैसे तो आप लोगों को पता है कि सोडियम मेटल को सुरक्षित रखने के लिए गेजर लिक्विड फेरापिन या केरोसिन के अंदर रखा जाता है, और केरोसिन को सीधी भाषा में मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। और इसकी खास बात ये है कि गेजर जैसे ही हम सोडियम मेटल को कुछ इस तरीके से हथेली के अंदर रखते हैं तो इसके अंदर अपने आप ही आग लग जाती, या फिर गेजर इन्हें खुले में रखने पर भी आग लग जाती। लेकिन गेजर इसका घनत्व इतना कम होता है कि ये सच में गेजर वायु या नमी या जल को सहन नहीं कर पाता है, इसके अंदर आसानी से आग लग जाती है और प्लस हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। लेकिन गेजर आज के इस वीडियो में हम सच में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोडियम मेटल को गेजर लिक्विड पैरापिन या केरोसिन के अंदर रखने के बजाय गेजर सोडियम मेटल का हम एक टुकड़ा लेंगे और फिर गेजर उस टुकड़े के ऊपर एक टेपिंग कर देंगे, और फिर गेजर उस टुकड़े को हम एक महीने के लिए रख देंगे, और फिर देखते हैं कि गेजर एक महीने के लिए रखने के बाद भी गेजर वो सोडियम मेटल का टुकड़ा पानी के साथ रिएक्ट हो पाएगा या फिर नहीं, इसी चीज की हम ट्राई करने वाले। लेकिन गेजर मैं आप लोगों को कहीं पर भी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि गेजर सच में सोडियम मेटल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गेजर इसे जैसे ही हम पानी के अंदर डालते हैं ये बॉम्ब की तरह एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो गेजर फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑल राइट गेजर, अब हम सिंपली इसमें से एक टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं। तो राइट गेजर आप सच में देख सकते हो जो सोडियम मेटल का टुकड़ा था वो सच में काफी ज्यादा चमकदार हो और इतना मुलायम होता है कि इसे हम चाकू की मदद से भी आसानी से काट सकते हैं। लेकिन गेजर आज की इस वीडियो में जो इसके साथ में प्रयोग करने वाला वो सच में गेजर बिल्कुल गेजर पागलपंती की तरह होने वाले, क्योंकि गेजर इसको सुरक्षित रखने के लिए वैसे तो गेजर लिक्विड पैरापिन या केरियस के अंदर रखा जाता है, लेकिन आज हम इसके ऊपर टेपिंग कर देंगे और फिर इसे एक महीने के लिए रखने वाले, और देखते कि गेजर ये सच में एक महीने के बाद पानी के साथ रिएक्ट हो पाएगा या फिर नहीं, इसी चीज़ की हम ट्राई करने वाले। तो कि गेजर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं। राइट गेजर आप देख सकते हो कि सोडियम मेटल के टुकड़े के ऊपर हमने पूरी तरीके से टेप कर दिए, और गेजर अब हम सिंपली इसको पानी के अंदर डाल के देखते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि ये सचमुच सेफ रह पाएगा या फिर नहीं। और गेजर आप देख सकते हो कि जैसे ही हम सोडियम मेटल को टुकड़े को पानी के अंदर डालते थे, ये टुकड़ा है गेजर पानी के अंदर ड्रॉप हो चुका है, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन जनरेट नहीं हो रही। लेकिन गेजर वैसे हम सिंपली गेजर एक नॉर्मल टुकड़े को पानी के अंदर डालते तो गेजर वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, लेकिन गेजर सच में ये टुकड़ा गेजर आपको साफ पानी के अंदर डाल के दिखा देता हूँ, ये टुकड़ा पानी के अंदर बैठ जाता है पेंदे के अंदर डाल, जैसे हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये पानी के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल टुकड़े को हम सिंपली उस सोडियम मेटल के टुकड़े को डालते हैं तो गेजर वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, क्योंकि गेजर जो सोडियम मेटल होता है ना उसका भार गेजर पानी से कम होने के कारण वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। लेकिन गेजर ये टुकड़ा सच में आप देख सकते हो कि पानी के पेंदे में जाके ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि गेजर इसका भार गेजर पानी से अधिक हो चुका है, इसीलिए पानी के अंदर जाके ड्रॉप हो चुका है। लेकिन गेजर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करने की जरूर कोशिश कीजिए। लेकिन गेजर इस टुकड़े को गेजर हम एक महीने के बाद इसी टुकड़े को पानी के अंदर डालने वाले, और देखते हैं कि ये पानी के साथ किस तरीके से रिएक्ट होता है एक महीने के बाद। तो गेजर इंतजार करता है एक महीने का, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर। तो गेजर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।